आठ मजेदार वेबसाइट जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। और ये वेबसाइट बड़े बड़े हर एक क्रिएटर यूज करते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे आपको VFX, साउंड इफेक्ट, मीम और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। ये आठ वेबसाइट अगर आपको पता चल गया तो आप अपने वीडियो एडिटिंग को 10x बेटर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में आपको फुल नॉलेज मिलने वाला है वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, तो वीडियो को मिस मत करना और स्किप तो बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट, सीखते हैं कुछ नया और हटके। और हाँ, एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस सारे वेबसाइट में आपको मिक्सकिट, पिक्साबे, पिक्सल लैब्स वाले वेबसाइट यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पुराने हो चुके हैं यार। तो कुछ नया देखते हैं। अब अगर आप इस वेबसाइट का अगर यूज़ करते हो तो आपको वाटरमार्क जैसी प्रॉब्लम को झेलना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी दुश्मन होती है वो होती है वाटरमार्क। अगर किसी कंपनी का लोगो या वाटरमार्क हमारे वीडियो में दिख जाता है तो हमें पड़ सकता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हो। और इस वेबसाइट में आने के बाद जिस भी पार्ट में आपका जो लोगो होगा या वाटरमार्क होगा, इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड इसे आप इरेज कर सकते हो, बिल्कुल वो भी फ्री, बहुत ही इजी तरीका है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप क्रोम में जाओ तो आप सर्च भी कर सकते हो। इस वेबसाइट का यूज करके आप अपने वीडियोस में मोशन बैकग्राउंड का यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ही यूनिक बैकग्राउंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों बैकग्राउंड्स एंड के कुछ स्टिकर्स और भी बहुत कुछ, क्योंकि ये वेबसाइट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट लगा है अब तक मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत हेल्प मिला है भाई। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपको वाटर मार्क देखने को मिल जाता है कोने में से छोटा सा, लेकिन इसको आप हटा भी सकते हो। पता है कैसे? सिंपली आप किसी भी एडिटर टूल में आओगे, यहाँ पे इस वाले पार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेना, देन ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो चुका है। तो है ना काफी मजेदार। अब हम अपने नॉर्मल थंबनेल्स को तो बना लेते हैं, वो थंबनेल हमारे वीडियो अपलोड होने के बाद कैसा दिखने वाला है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। लिंक साइड की मदद से हम पहले ही इसे वेबसाइट में पोस्ट करेंगे और वहां से हम देखेंगे कि यूट्यूब पे कैसा लगने वाला है हमारा थंबनेल, मोबाइल में अलग, डेस्कटॉप में अलग और टीवी में अलग, जिस भी मोड में आप देखना चाहो यहां से आप देख सकते हो। अगर सही लग रहा है तो आप इसे पोस्ट करोगे, वरना फिर आप नया थंबनेल बना सकते हो। इससे होता यह है कि आपका जो क्लिक थ्रू रेट है वो इंक्रीज हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स इससे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर आपका वीडियो पे क्लिक जा रहा है तो व्यूज भी आएंगे। तो क्रिएटर्स के लिए ये वेबसाइट बहुत ही काम की है, तो इसी बात पे वीडियोस को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मिलता है ऐसे वेबसाइट्स। अब मैंने पिछले कई वीडियोस में ये बता चुका है कि साउंड इफेक्ट बहुत मैटर करता है हमारे वीडियोस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो आपको साउंड इफेक्ट ढूंढना पड़ता होगा यूट्यूब पे या फिर और किसी वेबसाइट पे, और इसमें काफी मेहनत भी लगता है यार, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है ये सारे प्रॉब्लम्स। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको ढेर सारे ऐसे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप अपने वीडियोस को और भी ज़्यादा बेहतर एडिट कर सकते हो और अपना टाइम भी बचा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं, वो भी ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट मिल जाते हैं और भी बहुत कुछ। मैंने पिछले भी कई वीडियोस में ये बता चुका है कि साउंड इफेक्ट कितना मैटर करता है हमारे वीडियो एडिटिंग को और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए। इस वेबसाइट का यूज करके आप अपने वीडियोस में इस टाइप के कुछ VFX वगैरह का भी अगर यूज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, क्योंकि इस वेबसाइट में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आपको हॉलीवुड लेवल के VFX देखने को मिल जाएंगे जिसे आप अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल भी देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख के अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। तो है ना काफी मजेदार, एंड इसकी मदद से आप अपने वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे एडिट कर सकते हो। अब आप तो जानते होंगे कि ऑडियंस अटेंशन मिलना वीडियोस में कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऑडियंस अटेंशन मिलने के लिए हम कभी कभी बीच बीच में मीम्स यूज करते हैं, तो मीम्स यूज करने के लिए आप सिंपली इस वाले वेबसाइट में आओगे, यहाँ पे आपको जो भी मीम चाहिए वहाँ पे आप सर्च करोगे एंड तुरंत वो मीम आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी मूवी में अगर वो डायलॉग दिया गया है तो वो वहाँ पे आके क्रिएट कर देगा, एंड देन उसे हम डाउनलोड करेंगे एंड सिंपली यूज करेंगे। इससे होता है कि हमारा जो ऑडियंस अटेंशन है वो थोड़ा सा बढ़ता है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा एंगेजिंग लगता है। अब इस वेबसाइट का यूज करके आप अपने वीडियोस में किसी भी डायलॉग का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बोलता हूँ आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी जैसे यहाँ सर्च करूंगा तो जो भी मूवी में आई एम सॉरी लिखा गया या बोला गया है यहाँ पे वो सीन आ जाएगा। इसे हम चाहें तो अपने वीडियोस में एज इस टाइप से यूज कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट का यूज करके आप अपने वीडियोस में किसी भी मूवी सीरीज या वेब सीरीज का अगर बैकग्राउंड स्कोर डाउनलोड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो और अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। कैसे? सिंपली आप इस वेबसाइट में आओगे और सर्च करोगे जो भी मूवी का आपको बैकग्राउंड स्कोर चाहिए होगा, एंड देन यहाँ पे वो अवेलेबल है, इसे आप डाउनलोड करो, आप अपने वीडियोज में यूज करो। फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा लंबा यूज मत करना, वरना कॉपीराइट क्लेम का दिक्कत हो सकता है। अगर आप 10-15 सेकंड के लिए यूज करना चाहो तो डेफिनेटली ये जो वेबसाइट है वो बहुत ही कमाल की है। लेकिन सिर्फ वेबसाइट का यूज करके आप अपने वीडियोस को क्रिएटिव नहीं बना सकते ना, तो इसके लिए आपको आना चाहिए एडिटिंग। एडिटिंग कैसे सीखना है, कैसे करना है, आपको सिंपली मेरा ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। और अगर इससे भी नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग अगर सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। और हां, इन वेबसाइट को ढूंढने में काफी मेहनत लगी है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।